हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट गुप्ता और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नोलॉजी हॉल में। दोस्तों, क्या आपको भी कोई WhatsApp में ब्लॉक कर दिया है? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप इजली अपने WhatsApp में खुद से अनब्लॉक हो सकते हो। अगर आपके फ्रेंड या फिर कोई भी आपको WhatsApp में ब्लॉक कर दिया है तो आप इजली अनब्लॉक हो सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इजली अनब्लॉक हो सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे हम कोई भी एप्स या फिर कोई भी वेबसाइट के बारे में नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम जेन्युइन तरीका बताएंगे। अगर ये स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आप इजली अनब्लॉक हो सकते हो। अगर ये जेन्युइन तरीका काम किया तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अदरवाइज इस वीडियो को डिसलाइक करके आप छोड़ सकते हो। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको WhatsApp को ऑन करना होगा। तो चलिए हम WhatsApp को ऑन करते हैं। दोस्तों, WhatsApp ऑन हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। आपको क्या करना है, ऊपर में 3 डॉट मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऊपर में जो ऑप्शन बार आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाला लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो है सेटिंग। तो चलिए इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, सेटिंग पे क्लिक कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेटिंग का बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा जो है अकाउंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं, यहाँ पे हम कोई भी फेक एप्स या फिर कोई भी वेबसाइट नहीं बताने वाले हैं, यहाँ पे हम जेन्युइन तरीका बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आगे आपको क्या करना है। दोस्तों, क्लिक कर लेने के बाद अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, 2-स्टेप वेरिफिकेशन, चेंज नंबर और सबसे लास्ट जो ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, डिलीट माई अकाउंट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों, क्लिक कर लेने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर में आप पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज नंबर का एक बटन मिल जाएगा, नीचे में आपका कंट्री शो करेगा, उसके नीचे में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना होगा। दोस्तों, अगर आप अनब्लॉक होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्टली अपने WhatsApp को डिलीट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको WhatsApp को डिलीट करना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या स्टेप को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे में आइएगा, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर इंटर करते हैं। दोस्तों, हम नंबर इंटर कर चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। नंबर इंटर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे वाला ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। ये जो बटन देख रहे हो, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो हम स्टेप बता रहे हैं उस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। दोस्तों, डिलीट हो जाने के बाद आपका WhatsApp मोबाइल में से डिलीट हो जाएगा फाइनली। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आइएगा और प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। दोस्तों, प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर में मिल जाएगा आपको सर्च बार। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हो तो आपको मालूम होगा कि प्ले स्टोर से कैसे एप्स इंस्टॉल किया जाता है। तो आपको सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पे आपको WhatsApp सर्च करना होगा। दोस्तों, WhatsApp सर्च कर लेने के बाद आपको यहाँ पे WhatsApp ओपन हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे WhatsApp आ जाएगा और उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके आप WhatsApp को दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जो हम स्टेप बता रहे हैं ये स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आप अनब्लॉक नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, WhatsApp इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, WhatsApp यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका शो करेगा। यहाँ पे आपको WhatsApp को ओपन नहीं करना है दोस्तों, उससे पहले आपको अपना सेटिंग को ओपन करना होगा। दोस्तों, आपके मोबाइल में एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग का एक एप्स होगा, इस एप्स को आपको ओपन करना होगा। तो चलिए हम ओपन करते हैं। दोस्तों, WhatsApp इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको WhatsApp को ओपन नहीं करना है, उससे पहले आपको एक सेटिंग करना होगा जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। सेटिंग ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे में आइएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ऐप मैनेज का एक ऑप्शन मिलेगा जो आपको इजिली मिल जाएगा आपके मोबाइल के सेटिंग में। यहाँ पे मेरे मोबाइल में मोर सेटिंग में क्लिक कर लेने के बाद अवेलेबल है। तो चलिए हम मोर सेटिंग पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, मोर सेटिंग पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे हमारा ऐप मैनेजर आ चुका है। आपके मोबाइल में इजिली ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये है ऐप मैनेजर है, आपको थोड़ी सी ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं।
दोस्तों ओपन होने पे यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या इंटरफेस आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारा एप्स हमारा शो कर रहा है। जो भी आपके मोबाइल में एप्स अवेलेबल होगा वो सारी एप्स यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप को ढूंढना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे नीचे में आना होगा क्योंकि व्हाट्सएप सबसे नीचे में ही अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नीचे में हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेने के बाद व्हाट्सएप को यहाँ से ओपन करना होगा। जो सेटिंग हम बताएं इस ऑप्शन से आपको व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो व्हाट्सएप ओपन हो चुका है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्टेप हम आपको बता रहे हैं इस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो होगा स्टोर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अगर ये स्टोर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो हम आपको बता दें आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे क्लिक कर लेने के बाद आपको मिल जाएगा क्लियर डाटा, दूसरा मिलेगा क्लियर कैच। जी हाँ दोस्तों ये ऑप्शन को आपको देखना होगा व्हाट्सएप में ये कहाँ पे अवेलेबल है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो क्लियर डाटा, जैसा कि हम पहले ही बताए हैं ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जो पॉपअप आएगा इस पे आपको एग्री करना होगा। उसके बाद डाटा को क्लीन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों डाटा को आप क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा जैसा कि हम बताए हैं क्लियर कैच, इसमें भी आप क्लिक करके यहां से ये क्लियर कर लीजिए। दोस्तों ये क्लियर हो जाने के बाद आपको यहां पे हम एक चीज बता दें, यहां पे ये जीरो शो करेगा, 0 MB, और ये भी 0 MB शो करेगा। ये जो भी देख रहे हैं ये टोटली 0 शो करेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग खोले हो इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। दोस्तों क्लोज कर लेने के बाद आप आ जाइएगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे और जो हम पहले ही स्टेप बताए हैं उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद जो हम आगे बता रहे हैं इसको आपको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग तो आप कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप को ओपन करना होगा। तो चलिए हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो व्हाट्सएप को आप इंस्टॉल किए हो उसको आपको ओपन करना होगा। तो चलिए हम ओपन करते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप ओपन हो जाने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा वेलकम टू व्हाट्सएप और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में आपको कंट्री मिलेगा, अपना कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों कंट्री सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन मिलेगा जो है फोन नंबर, जैसा कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा फोन नंबर। और दोस्तों यहाँ पे वही फोन नंबर इंटर कीजिएगा जिस नंबर से आप पहले व्हाट्सएप यूज करते थे। जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप व्हाट्सएप पहले अनइंस्टॉल किए, डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करके व्हाट्सएप को डिलीट किए, वही नंबर यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वही नंबर इंटर कर लीजिए। दोस्तों नंबर इंटर हो जाने के बाद आपको हम बताते हैं किस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर इंटर कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपके मोबाइल पे उसी नंबर पे ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप में ओटीपी इंटर कीजिए, उसके बाद आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा व्हाट्सएप में। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइनली व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों ये सर्च वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर में, ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो भी आपको ब्लॉक किया था उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे सर्च कर लेने के बाद उसका नाम आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे क्लिक हो जाने के बाद आप उसको मैसेज करो, जो बंदा आपको पहले ब्लॉक किया था आप उसको मैसेज करते थे, वो बंदा के पास नहीं पहुंचता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जो भी मैसेज करोगे वो बंदा के पास वहां पे मैसेज जाएगा। जी हाँ दोस्तों ये जो ट्रिक हम बताए हैं ये ट्रिक 100% काम करता है। ये ट्रिक को हम खुद यूज किए हैं। अगर ये ट्रिक काम किया दोस्तों तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।